स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक्स का, गणित का, तो उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना बुकलेट और पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और मिलाइए कि आपका जो है 40 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रूट पाँच एक ऐसी संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक का दो। अगला, रूट दो और रूट तीन के बीच कौन सी संख्या होगी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन नंबर दो, तीन का जो है दो सही हो जाएगा। अगला, एक बटा रूट तीन का जो है हर का परिमेयकरण करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो चार का जो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन बहुपद है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही हो जाएगा, यानी पाँच का दो करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर छः, पूछा हुआ है बहुपद में जो है इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका जो शून्यक होगा वो आपका दो बट्टे तीन आंसर हो जाएगा, यानी छः का जो ऑप्शन नंबर तीन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सात का, इसमें पूछा है कि ये जो फैलाएंगे तो वाई का गुणांक कितना होगा, ठीक है, तो जब इसको तोड़िएगा तो ये आपका जो है दो दुना चार वाई, यानी इसका जो गुणांक आएगा वो कितना हो जाएगा, सात का तीन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चार सही होगा, यानी सात का तीन चार सही होगा, ठीक है। अगला जो है इसका गुणनखंड पूछ रखा हुआ था, तो गुणनखंड इसको आप निकाल सकते हैं, इसका जो आंसर होगा आपका वो आठ का जो है दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नाइन का, पूछ रहा है कि माइनस एक माइनस दो जो है वो किस चतुर्थांश में आएगा, तो तृतीय चतुर्थांश। अगला, माइनस दो और चार का भुज पूछा हुआ है, तो भुज कितना हो जाएगा, एक्स का मान, और एक्स का मान माइनस दो है, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर दस का एक सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, इसको तुलना करेंगे तो ए बी और सी का मान कितना होगा, तो ए की जगह माइनस दो आना चाहिए किस में है, तो आपका, और बी की जगह है तीन और सी की जगह है माइनस छः, तो किस में, ऑप्शन नंबर तीन सही हो गया, यानी ग्यारह का तीन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स प्लस दो वाई बराबर छः का हल है, ठीक है, तो आपका बारह का जो है ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला, ये जो है कि इसमें जब मान रखेंगे तो पूछ रहा है कि ए का मान कितना होगा, तो जब यहाँ पे रखिएगा तो ये तीन चौका बारह हो जाएगा और इधर तीन, और ये आपका माइनस हो जाएगा सात, यानी पाँच बटे तीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी तेरह का ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते क्या कहलाते हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं। अगला, पचपन डिग्री का पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो पचपन डिग्री का पूरा कोण जो होगा वो आपका पैंतीस डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला, अधिक किसी त्रिभुज का एक कोण जो 130 डिग्री, तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो इसका जो है 16 का ऑप्शन नंबर चार 155 सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इसका मान जो होगा वो कितना डिग्री होगा, तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर तीन 92 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर ये दे रखा हुआ है, तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर दो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, ए बी बराबर बी सी दे रखा हुआ है, ए बी बराबर क्या दे रखा हुआ है, बी सी, ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ये भुजा बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा, तो ये जो मान होगा ये भी आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, तो आपका जो है 19 का ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है पूछा हुआ है कि डी ई का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 20 का जो ऑप्शन नंबर तीन 4 सेंटीमीटर सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कौन सत्य है, तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसमें जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत में। अगला, इसमें जो है चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे हुए, चौथा कोण का मान पूछ रहा है, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कौन एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, तो ऑप्शन नंबर फोर जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, पूछ रहा है कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है और ई भी आपका इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बी ए डी का क्षेत्रफल होगा, बी ए डी का वो कितना होगा, एक बटा चार एरिया ऑफ ए बी सी होगा, 25 का एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पूछ रहा है कि एंगल ए सी बी का मान कितना होगा, ए सी बी इसका मान पूछ रहा है, तो ये 40 हो गया, 80 100 बचा, यानी इसका मान जो होगा वो 50 डिग्री होगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला देखिए, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, 28। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी का मान कितना होगा, तो इसका 110 डिग्री हो जाएगा, ना 28 का जो है ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 29 का जो है आपका
29 का जो है एक्चुअली प्रश्न गलत है, हालांकि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको देना चाहिए अच्छे से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही गलत है लगभग, ठीक है। तो आपको इसका नंबर मिलेगा। चलिए तब तक हम लोग 30 नंबर देखते हैं। तो 30 का जो आंसर होगा आपका, पूछ रहा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन 31, ठीक है। 15, 20 और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ये दे रखा हुआ है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो आपका 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में 34 देख लीजिए, एक शंकु की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, तो इसका जो आंसर होगा आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन वह जो है 35, एक शंकु जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, इसका आयतन पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो आपका है 6 × 6 और एच है 7, ठीक है। तो ये कटेगा 3 × 6, तो ये 6 × 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 22 × 44 और ये, ठीक है, यानी 264 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका 35 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36, पूछ रहा है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, आयतन कितना होगा, तो इसका जो आयतन होगा वो आपका 135 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, पूछ रहा है कि ये आंकड़े जो है 5 की बारंबारता पूछ रहा है, 5 की बार आया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार, तो इसका 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगला मिलान चिन्ह का बारंबारता पूछ रहा है, तो 5, 5, 10 और कितना होगा, 1, 11, ठीक है। अगला देखिए 39 कि आंकड़े जो है पूछ रहा है इसका माध्य कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 39 का 1, 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को जो है 100 बार उछालते हैं, तो पट जो है 60 बार आता है, तो चीत आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो चीत आएगा आपका 40 बार, ठीक है। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टोटल 40 क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका जो है 40 में से कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।